हम लोग बिहार के नहीं है, हम बिहार के सरकारी स्कूल से नहीं पढ़े हैं, हम अंग्रेजी नहीं बोल रहे हैं, हम फ्रेंच नहीं बोल रहे हैं, भोजपुरी हमसे बढ़िया बोलेगा वो लोग। नीतीश कुमार आप तेजस्वी यादव हमसे बढ़िया भोजपुरी बोलेगा, लेकिन उसको ना भोजपुरी बोलने आता है ना उसको अंग्रेजी बोलने आता है, कभी जीवन में कुछ ना पढ़ा ना कुछ समझा, क्या बोलेगा, वो खाली बकवास करेगा खड़ा होकर, किसी विषय का ज्ञान है नहीं। दूसरे पर खाली ये कभी जाति के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी भाजपा हारा, आप पूछ रहे रोजगार नहीं है तो कहता है भाजपा को रोको, आप पूछ रहे भैया शराब माफिया बालू माफिया क्यों है तो कह रहा है जातीय जनगणना करो। अरे कराओ भाई जातीय जनगणना, पहले ये ना बताओ कि शराब माफिया और बालू माफिया से जुड़े हुए लोग पत्रकार बंधु आप लोग बैठे हुए कौन लोग हैं, आप नहीं जानते कि राज्य के स्तर पर बालू माफिया कौन है। एक दल के सारे लोग हैं जो बालू माफिया के यहाँ काम कर रहे हैं, सबको मालूम है, ऐसे ही चल रहा है बालू माफिया, पूरे राज्य को बालू का खनन का केंद्र बना दिया और कहता है कि हमको क्राइम और क्रिमिनल से हमको लगाव नहीं है। मतलब ये तो ऐसी बात हो गई कि बाघ ये कहे कि हमको मांस से लगाव नहीं है, आरजेडी का लीडर कह रहा है कि हमको क्राइम से मतलब, हम तो क्राइम और क्रिमिनल किससे सिंपैथी नहीं है भाई, तुमसे तुम्हारे पार्टी से ज्यादा क्रिमिनल और क्राइम करने वाले लोग इस देश में किस पार्टी में बताओ, इस देश में किस पार्टी में आरजेडी से ज्यादा क्राइम और क्रिमिनल क्राइम से जुड़े हुए लोग जितने आरजेडी में है, आप बताइए ना किस पार्टी में इतने लोग हैं, हम तो आपको कैमरे पर